हेलो फ्रेंड्स, MySQL सीखने की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे वेयर क्लॉज के बारे में। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई है एम्प्लॉयज नाम से। हमारे पास एक डेटाबेस है माई डेटाबेस नाम से, और इसमें मैंने एक टेबल क्रिएट की है एम्प्लॉयज नाम से, और इसमें मैंने कुछ डेटा इंसर्ट करवाए। मैंने इसमें 8 रोज इंसर्ट करवाए जिसमें कुछ डेटा है, जिसमें पहला कॉलम है ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट, सिटी एंड सैलरी। तो मैंने ये टेबल में कुछ डेटा पहले से इंसर्ट करवा दिया है। तो अब सबसे पहले हम वेयर क्लोज को डिस्कस करने के लिए, उसको समझने के लिए, सबसे पहले मैं एक क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पर, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेरी सिंपल सी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझते होंगे कि ये क्या करेगा, जो एम्प्लॉयज नाम की टेबल है इसका सारा डेटा है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ही हमें इस टेबल का सारा डेटा एज इट इज प्रिंट करवा रहा है, एज इट इज शो करवा रहा है। तो अब अगर हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए, जैसे कि मैं कहूँ कि हमें आईडी नंबर 5 का जो डेटा है, आईडी नंबर 5 पे जो वैल्यू स्टोर है, जो एम्प्लॉयज स्टोर है, उसका डेटा हमें एक्सेस करना है। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर यूजर्स या पर्टिकुलर कोई डेटा एक्सेस करना है, तो उसका यूज करने के लिए हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं। वेयर क्लोज बेसिकली कंडीशन पुट करने के काम में आता है। यहाँ पर हम वेयर क्लोज में कंडीशंस डिफाइन करते हैं, उन कंडीशंस का यूज करके हम पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे लेट से अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो हमारे पास ये टेबल है, इसमें लेट से मैं जो आईडी नंबर 4 पे जो डेटा है उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें क्वेरी कुछ ऐसा लिखना होगा। तो इसके लिए मैं क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्योंकि हम सेलेक्ट ऑल स्टार का मतलब हम उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो टेबल का नाम है एम्प्लॉयज, और यहाँ पर फिर ये कीवर्ड होता है एक वेयर, वेयर एक कीवर्ड होता है। इसके बाद हम यहाँ पर कंडीशंस डिफाइन करते हैं। तो जैसे हमें आईडी नंबर 4 का डेटा एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा वेयर आईडी इक्वल्स टू, वेयर आईडी इक्वल्स 4, ठीक है, और इसको टर्मिनेट करना होगा सेमी कॉलन लगा के। यहाँ पर ये इंटीजर है, जो आईडी है वो हमने इंटीजर डिफाइन की है, तो यहाँ पर हमें डबल कोट्स में, जहाँ पर डबल कोट्स में इसको नहीं लिखना है, हमें सिंपल इंटीजर की तरह ही लिखना है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हुआ आईडी 4 का जो डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए क्वेरी। सेलेक्ट, हम सेलेक्ट कर रहे हैं सारा डेटा, और फ्रॉम एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज नाम से टेबल है उससे एक्सेस कर रहे हैं, और वेयर, जहाँ पर हमने कंडीशन डिफाइन की है कि आईडी इक्वल्स टू 4। तो अगर मैं यहाँ पर गो पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसने जो आईडी 4 पे जो डेटा स्टोर था पिंकी नाम से, इसको यहाँ पर इसकी सारी इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पर शो कर दी। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं एक दूसरी क्वेरी लिखता हूँ जिसमें सपोज हम एक्सेस करना चाहते हैं कि, जहाँ पर हम एक्सेस करना चाहते हैं कि कोई ऐसा यूजर जिसकी सिटी, कोई पर्टिकुलर सिटी देख के हम यूजर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार, या फिर अब की बार हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू एक्सेस ना करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक्सेस करते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम कहां से, एम्प्लॉयज, और इसमें हमें फिर यहां पर वेयर करके कंडीशन देनी होगी, वेयर सिटी इक्वल्स टू, लेट से मैं यहाँ पर सिटी देता हूँ जयपुर, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिटी है जो एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर हमें इसको डबल कोट्स में देना होगा। अगर इंटीजर होता तो यहाँ पर हम डबल कोट्स का यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो सिटी है जो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर हम डबल कोट्स का यूज करते हैं। तो अब ये क्वेरी हुई सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेलेक्ट करेगा एम्प्लॉयज टेबल से, और जहाँ पर वेयर करके हमने सिटी जो कंडीशन डिफाइन की है कि सिटी जहाँ पर जयपुर होगी
उन एम्प्लॉयज को ये यहाँ पर शो कर देगा। तो अगर अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो किया है उन यूजर्स का जिनकी सिटी जयपुर है। तो यहाँ पर दो ही यूजर्स हैं जिनकी सिटी जयपुर है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर दो ही यूजर हैं जिनकी सिटी जयपुर है, ये और यहाँ पर ये, तो ये दो यूजर्स इसने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिए। इस तरीके से हम और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। सपोज हम सैलरी यूज करना, सैलरी के कंडीशन देके हम एक्सेस करना चाहते हैं। लेट से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, तो इसके लिए क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट उसका फर्स्ट नेम, आईडी और फर्स्ट नेम हम एक्सेस करना चाहते हैं, आईडी फर्स्ट नेम फॉर्म कहाँ से फॉर्म एम्प्लॉयज, और यहाँ पर फिर वेयर करके हम कंडीशन देंगे सैलरी ग्रेटर देन। ऐसे यहाँ पर हम ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये ऑपरेटर है, यहाँ पर हम ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू, इन सब ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंडीशन देता हूँ कि पेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000, ठीक है। ये क्वेरी क्या करेगी, आईडी और फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेगी एम्प्लॉयज टेबल से जहाँ पर सैलरी 50,000 से ज़्यादा होगी। तो अगर मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसने जो आईडी 6 है एक यहाँ पर रो हमें शो की है जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ही एंट्री है जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, तो उसको इसने प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से हम वेयर क्लोज में कंडीशंस को, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को प्रोवाइड करके हम जो पर्टिकुलर डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वेयर क्लोज को हम कैसे यूज करके कैसे हम डेटा, पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया है यहाँ तक की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।